नमस्ते फ्रेंड्स, प्रेस कीजिए सब्सक्राइब बटन और दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, वो प्रोसेस जिससे गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट मतलब स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट मतलब ओवम होता है। सो जिस प्रोसेस से गैमेट्स बनेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, उनका बनना। दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं, एक मेल में पाए जाते हैं, दूसरे फीमेल में पाए जाते हैं। मेल गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, शुक्राणु, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ओजेनेसिस मतलब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, ओ मतलब एग, अंडा, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो ओजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों प्रोसेस में तीन स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला है मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा है मैच्योरेशन फेज। इसको शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो इसे कहते हैं मू ग्रो मा। मू से मल्टीप्लीकेशन, ग्रो से ग्रोथ, मा से मैच्योरेशन। अब यहां पर पहला मल्टीप्लीकेशन फेज है, जहां पे एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगा और दूसरा सेल डिवाइड करके चार सेल बनाएंगे। जिस प्रोसेस से डिवाइड हो रहे हैं उन्हें हम माइटोसिस कहते हैं। सो मल्टीप्लीकेशन बेसिकली हुआ क्या, जो प्रिमोर्डियल सेल है वो दो बार माइटोसिस करेगा और चार स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि जो प्रिमोर्डियल सेल है वो डिप्लॉइड है 2n, मतलब उसमें दो सेट क्रोमोसोम के हैं, और जो स्पर्मेटोगोनियम वो बनाएगा दो बार माइटोसिस करके, वो भी डिप्लॉइड है। तो ये पहला फेज है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। अब इन चार के चारों स्पर्मेटोगोनियम प्रोसेस करेंगे, लेकिन हम सिर्फ एक की बात करेंगे। तो एक स्पर्मेटोगोनियम ढेर सारा फूड एक्यूमुलेट करेगा, खाना जमा करेगा, साइज बड़ा कर लेगा, उसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। साइज बड़ा हो जाने के बाद यह स्पर्मेटोगोनियम बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है। ये चारों स्पर्मेटोगोनियम में मिलेगा, लेकिन हम डायग्राम में सिर्फ एक की बात करेंगे। ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम मियोसिस करेगा, जो रिडक्शन डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे। तो मियोसिस करने के बाद, अब मियोसिस हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए, दो स्टेज होते हैं, मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस वन में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, मतलब 46 के 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। सो मियोसिस वन से जो सेल्स बनेंगे उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सबसे बड़ी बात, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होंगे, मतलब इनमें आधा क्रोमोसोम होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस टू करेगा और स्पर्मेटिड्स बनाएगा, जो सेल्स होते हैं और वो आगे चल के डेवलप हो जाएंगे स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में। तो जो स्पर्मेटिड है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस करता है, जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और ये क्या बनाएगा, स्पर्म। तो चार स्पर्म बनेंगे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, या आप कह सकते हो एक स्पर्मेटोगोनियम से चार स्पर्म्स बनते हैं। अब लॉजिकली सोचा जाए तो चार स्पर्मेटोगोनियम है तो 16 स्पर्म्स बनेंगे, मतलब एक प्रिमोर्डियल सेल 16 स्पर्म्स बनाता है। और जिस प्रोसेस से स्पर्मेटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तीन स्टेप, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, जिसे हम कहते हैं मू ग्रो मा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेज है ओजेनेसिस का। इसमें भी माइटोसिस होगा पहले, तो दो बार माइटोसिस होंगे, मतलब प्रिमोर्डियल सेल जो डिप्लॉयड है दो बार माइटोसिस करेगा और चार ओगोनियम बनाएगा।
और ओगोनियम जो होंगे डिप्लॉयड होंगे। तो गैमेटोजेनेसिस मेल में स्पर्मेटोगोनियम बनेगा और अगर फीमेल गैमेट है तो ओगोनियम बनेंगे। अब चारों ओगोनियम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ओगोनियम पे फोकस करेंगे। ये ओगोनियम क्या करेंगे, ढेर सारा फूड एक्यूमुलेट करेंगे, साइज में बड़े हो जाएंगे, जिसे हम ग्रोथ फेज कहेंगे और इसे हम नाम देंगे प्राइमरी ओसाइट। मतलब क्या, चारों ओगोनियम फूड एक्यूमुलेट करने के बाद उनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। अब प्राइमरी ओसाइट थर्ड स्टेज करेगा जिसे हम कहते हैं मैच्यूरेशन फेज। इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी ओसाइट है वो मियोसिस करेगा, मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस वन के बाद सेकेंडरी ओसाइट बनेगा जो कि हैप्लॉइड होगा। अब सेकेंडरी ओसाइट एक बनेगा, दूसरा जो है पोलार बॉडी बनता है। पोलार बॉडी का फंक्शन ये है कि वो ओवम के साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करता है। यहाँ पर इक्वल कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन बराबर होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होता है, जहाँ पे बड़ा पोर्शन साइटोप्लाज्म का एग को मिलता है, जिसे हम सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे, और छोटा हिस्सा साइटोप्लाज्म का पोलार बॉडी को मिलता है। तो ये सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉइड होगा और पोलार बॉडी बनेगा। अब मियोसिस टू होगा, जहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस टू करके ओवम बनाएगा और पोलार बॉडीज तीन बनेंगे। तो हमें समझना क्या है, एक प्रिमोर्डियल फॉलिकल से चार ओवम बनते हैं ओजेनेसिस में, और एक प्रिमोर्डियल फॉलिकल से 16 स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। एक ओगोनियम सिर्फ एक ओवम बनाएगा और एक स्पर्मेटोगोनियम चार स्पर्म बनाएगा। ये छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस अच्छे से समझ में आ गया हो। तो लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।